नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु निवेदिता बुलेटिन उपरे नजर पकाइबा हेले ता पूर्वरु हेडलाइंस नवंबर रे ही राज्य रे खोलिबो स्कूल नवंबर रु द्वादश जाय संपूर्ण क्लास हेबो 70% पाठ्यक्रम पई नुआ कैलेंडर अभिभावक राजी नहले हेबो ऑनलाइन क्लास सूचना देले गणशिक्षा मास्को पीपी किड किनारे दुर्नीति तदंत परिसरभुक्त हेले मुख्य शासन सचिव लोकायुक्त निकट में हेमंत शर्मा और जामिनी षडंगी हाजर आसंता 23 सुधा उत्तर रखा सरकार को निर्देश पंगु साजिश केन्द्रापड़ा पुलिस महिला को मणातक आक्रमण पर आईआईसी कहते हाथ लगाई ना अभियुक्त 10 दिन पर भी नो आक्शन प्रश्न घेर में टीम नीतिशेखर आंको कोविड कटकड़ा को अमान्य बाण बिक्रय निषेध सत्वे अनुगुल दालचेर में बाण बिक्री जनक बासभवन में चढ़ाऊ कर 50 लाख टंकार बाण जबत कला पुलिस दुई अटक अनुगुल उठाई नेला मुंबई पुलिस घटना को इमरजेन्सी सह तुलना कले प्रकाश जावड़ेकर चतुर्थ स्तंभ फ्रीडम ऑफ स्पीच उपरे आक्रमण को देशव्यापी निंदा राज्य में आज 1474 नुआ कोरोना पॉजिटिव क्वारंटीन 855 लोकाल के 619 राज्य में 295,899 पहुंचला मामला 12 मुंड नेला मामला शेष होगा आमेरिकार राष्ट्रपति निर्वाचन चली भोट गणति ट्रंप और बाइडेन को मध्य जोरदार टक्कर 6 राज्य में ट्रंप 9 राज्य में बाइडेन विजयी हिंसा को नहीं व्हाइट हाउस में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था बुजलां जिले में अनुगुल वैंडा ग्राम्य उन्नयन विभाग कनिष्ठ जंत्री आयुर्भूत संपत्ति ठूल अभोग में भिजिला चढ़ऊ अफिस् सरकारी बासभवन समेत पैतृक और श्वशुर घरे एक कांड रेड एवं वायुसेनार बढ़ शक्ति भारत को मिलिबो तीन राफेल युद्ध विमान आज संध्या सुधा अमला एयरबेस से पहुंचा नहीं सूचना पूर्व आसीला 5 विमान नवंबर मासर ही राज्य में खोलिबो स्कूल सूचना देखते विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास नवंबर द्वादश जाए संपूर्ण क्लास हेबो अभिभावक राजी नहले ऑनलाइन रे हेबो क्लास 70% पाठ्यक्रम पर प्रस्तुत हेबो नुआ कैलेंडर विभाग बैठक बसी 5 असिदान आलोचना चली 30% पाठ्यक्रम ह्रास होता बेले आउ अधिक ह्रास होबनी गणशिक्षा मंत्री मास्क और पीपी किट किणारे दुर्नीति तदंत परिसरभुक्त हेले मुख्य शासन सचिव आज शुणी बेले लोकायुक्तों पाखे द्वितीय थर पर हाजर होते हेमंत शर्मा और जामिनी षडंगी परचेजिंग कमिटी कहीं बदलला और किए बदल उभय को प्रश्न करते लोकायुक्त मुख्य शासन सचिवों अनुमति में सबकि दुई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्तर रखिथिले 23 तारीख में परवर्त शुणी एने मुख्य शासन सचिवों उत्तर रखा निर्देश देते लोकायुक्त मास्क और पीपी किट दुर्नीति नहीं लोकायुक्त पाखे आवेदन करते सुदर्शन दास आवेदन को आधार कर अगस्ट 11 तारीख पर हेमंत शर्मा और जामिनी षडंगी को हाजर होगा कहुला उभय आसी न सेप्टेम्बर 14 से लोकायुक्त निकट में हाजर हो पक्ष रखिथिले पंगु साजिछि केन्द्रापड़ा पुलिस महिला को मणातक आक्रमण 10 दिन पर भी आक्शन सुन पुलिस कटार तदंत कर कण अभियुक्त को तुरंत गिरफ दाबी कर अजब जुक्ति आईआईसी कहले महिला देहर हाथ लगे अभियुक्त तेरे जोआरबारीमूल पूर्वतन समिति सभ्या कांचन बाला से ही गाँव अनिरुद्ध स्वाई दुर्व्यवहार करने गाड़ी कुलज करते पर एक भुजाली में मणातक आक्रमण करते घटना नहीं एसपी को भेट न्यायपाई भिक्षा करते कांचन बाला पुओ हेले दीर्घ दिन पर कौन कार्यानुषान जाए जहाक नहीं प्रश्न घेर को आसी टीम नीतिशेखर आंडको जड़े महिला मणातक आक्रमण हो 26 स्टीज लगता बेले महिला अवस्था गुरुतर रही आउ तदंत कर अभियुक्त को धरवा बदल में ओलटा जुक्ति बाढ़ आईआईसी प्रश्न उठू जदि महिला देहर हाथ लगा जाए से गुरुतर हेले किपर एठारे काहा चापरे अभियुक्त को सुरक्षा देउची पुलिस बोली प्रश्न उठिछे मते बाड़ेई बाड़ेई मो मुंड फटेई रक्ताक्त करी जीवन रु मारी दबो बोली शेष कर दबो बोली कोइला मारी मध्य देला हेले मु आईआईसी की देखा करली आईआईसी कहले आर जथेष्ट एविडेंस मो पाखरे अछि
ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ବେଳକୁ 307 ଲଗେଇଲେନି। ଆସାମୀ ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ବୁଲୁଛି, ଥରେ ହେଲେ ତା ଦୁଆର ମୁଁ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଖାଗଲା, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲାନି, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଲା, ଏସ୍ପି ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ନେଲେ, ତଥାପି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା। କୋଭିଡ୍-19 ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବାଣ ବିକ୍ରୟ ନିଷେଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ବାଇପାସ୍ ନିକଟ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆତସବାଜି ବିସ୍ଫୋରକ ବାଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବାଣର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ତାଳଚେର ସଦର ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ମର୍ଡର। ବାଦୁଟିକିରା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁଧା କ୍ଲିନିକ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶବକୁ ଦେଖି ଟାଉନ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଖଜୁରୀଟିକିରା ପଡ଼ାର ରାଜୁ ମହାରଣା, ତେବେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ଥାନା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। 50 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ କାଣ୍ଡସର ଗାଁର ବସନ୍ତ ବାରିକ, ତେବେ ପରିବା ମାର୍କେଟରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍କୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭିର ଏଡିଟର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ। ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ତାକୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଖାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ସାଂସଦ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫାଶୀବାଦର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଦମନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଆଉ କେତେ ସ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 2018 ଏକ ମାମଲାରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ କହିଛି। ସେପଟେ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର 10ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ ଓ ତାଙ୍କ ମା 2018 ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେ ମାମଲାରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ମାମଲାକୁ ପୁଣି ରିଓପନ୍ କରାଯାଇଛି। ये प्रजातंत्र में इससे खराब दिन कुछ नहीं हो सकता है। कोई वरिष्ठ पत्रकार को, एक न्यूज चैनल की एडिटर को ऐसे अमानवीय व्यवहार करना, उनकी मानवीय अधिकार को हनन करना, इसको कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करने से भी कम होगा। और ये एक राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। उनकी बात वहाँ की स्थानीय सरकार और विशेष करके उनकी जो आका है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आला कमान, उनको पसंद नहीं होता है, इसलिए उनके ऊपर ये जालती किया गया है, उनके ऊपर ये अत्याचार किया गया है, इसको हम निंदा करते हैं। मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है। उनके पास अगर कोई जांच के लिए, एक्शन के लिए कोई एविडेंस है,
तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। शेष होइछि अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन पाई मतदान, वर्तमान जारी रहिछि वोट गणना। भारतीय समय 8:30 बेलकु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 राज्य में विजयी होती। ओक्लाहोमा, टेनेसी, मिसिसिपी, दक्षिण दाकोटा, उत्तर दाकोटा और अलबामा जीति। से ट्रंप का प्रतिद्वंदी जो बाइडेन 9 राज्य में जीति सारी। आयरलैंड, न्यूजर्सी, मासाचुसेट्स, मेरीलैंड, इलिनॉइस, डेलावेयर, कोलोराडो, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में विजय होती बाइडेन। तेज प्राथमिक आकलन जमापड़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रतिद्वंदी जो बाइडेन कड़ा मुकाबला जारी रही। राज्य में गत 24 घंटा 1474 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। 855 क्वारंटीन होता बेले 619 जन स्थानीय संक्रमण होती। आक्रांत को मिसाई राज्य में 295,899 मामला पहुंची। एने सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्ष सूचना दी जाए। अनुगुल 76, बालेश्वर 78, बरगढ़ 68, भद्रक 19, बलांगीर 99, बौद्ध 5, कटक 120, देवगढ़ 7, ढेंकानाल 18, गजपति 5, गंजाम 33, जगत सिंहपुर 67, जाजपुर 39, झारसुगुड़ 39, कलाहांडी 36, कंधमाल 19, केन्द्रापड़ा 56, केउझर 69, खोर्धार 175, कोरापुट 23, मलकानगिरी 29, मयूरभंज 52, नवरंगपुर 30, नयागढ़ 20, नुआपड़ा 46, पुरी 73, रायगढ़ 7, संबलपुर 37, सोनपुर 5, सुंदरगढ़ 104 और राज्यफुल 30 जन चिन्हट होती। फेक आईडी खोली युवती को प्रेम जाल में फसाई अभियोग युवक गिरफ। कुचिंडा अंचल जने कॉलेज छात्री को प्रेम जाल में फसाई जाल फेसबुक आईडी खोली प्रभावित करने को चेष्टा करने और अश्लील फोटो अपलोड करने अभियोग में युवक जनक गिरफ होते। गिरफ युवक कटक जिला कानपुर थाना कांजियापड़ार मानस पंडा बोली जमापड़े। कुचिंडा सहर दुईज झील भुवनेश्वर में रोता बेले युवकों सह परिचय होता। युवक जनक सेमानक मध्यरु जने युवती को प्रेम जाल में फसाइबा को उद्यम कर विफल होगापर अन्य झील नारे एक जाल फेसबुक आईडी खोली बंधुता करते। एकतरफा प्रेम करुवा अभियुक्त मानस विभिन्न समय अश्लील फटो पठाउला। एने अभियोग साइबर अपराधिक शाखार तथ्य नहीं कटक जिला कानपुर थाना कांजियापड़ार नीलमणि पंडा पुव मानस को कुचिंडा पुलिस गिरफ्त कर। कोरापुट जिला पाई खुशी खबर। कोरापुट जिला कोटपाड़ अंचल प्रांचल पात्र कृतित्व अर्जन करते। प्रांचल फैशन फिएस्टा 2020-21 फाइनाल राउंड में पहुंची। कोरापुट झील प्रांचल नवेम्बर 2 और 3 तारीख में गोआठे अनुषित सेमिफाइनाल प्रतिद्वंदित सफलता हासिल कर फाइनाल प्रवेश करते। प्रतिजोगित 30 जन प्रतिजोगी भाग नहीं बेले प्रांचल पात्र समेत 7 जन फाइनाल राउंड में प्रवेश करते। ओडिशार एकमात्र प्रतिजोगी भाव कृतित्व हासिल करते। तेज खुब शीघ्र श्रीलंकार कलम्बो ठारे फाइनाल प्रतियोगिता होगा जाए। प्रतियोगित सफलता हासिल कर क्राउन हासिल करने को दृढ़ इच्छा रखिंट प्रांचल। अनुगुल जिला बैंडा ग्राम उन्नयन विभाग कनिष्ठ जंत्री घर विजिलेंस चढ़ हो। कनिष्ठ जंत्री बसंत कुमार बस्तिया बैंडा स्थित सरकारी बासभवन और न्याय स्थित बासभवन में एककालीन आज सका कटक और अनुगुल विजिलेंस विभाग मिलित भाव चढ़ऊ कर सूचना रही है। आयुर्वर्वित संपत्ति ठूल अभियोग में चढ़ऊ कर जमापड़ी। एककालीन भाव बसंत पैतृक घर कटक जिले में न्याय से सीठाठे चढ़ हो। तेज शशुर घर अनुगुल बैंडारे रेड चली। बैंडारू नगद 80,000 टंका मिलता बेले नियालीरू 500 ग्राम सुना जबत हो। बसंत कुमार बस्तिया जेई अच्छा आरडी डिजन बइंडारे अभियोग क्रमे आयुर्वेद संपत्ति ठूल कर पैतृक घर पिथाड़
ଚାରିମଲା ଘର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ବଇଣ୍ଡାରୁ 80,000 ଦେବଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 5 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ହେବ ସୁନା ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ୱେଟ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଘରର ମୂଲ୍ୟ ଚାରିମଲାର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଉପରେ ହେବ, ପୈତୃକ ଘର ପ୍ରାୟ 80-90 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଆଉ ବାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଭେରିଫାଇ କରା ହେଉଛି ପରେ କୁହାଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟରୁ ପୁଣି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ, ଲମତାପୁର, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଜଲାପୁର ପୋଲିସ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ହନୁମାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ଚପଚଳ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହନୁମାଳ ଗାଁ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 2 ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ କମିଲା ଭୋଟ ଦାନ ହାର। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 70.69% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 69.66% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲେଟ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 3,193 ଜଣ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲେଟ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 104 କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1,631 ଲୋକ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲେଟ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି 124 ଭୋଟର। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଭିଏମ୍ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି 38 ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ 102 ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବାଇପୋଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଗଲା। ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିକି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ତାପରେ ଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଫିଗର୍ ଯେ ଭୋଟର୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ସେଇଟା ଆଜି ବାହାରିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଯେ ଭୋଟର୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ଫିଗର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 70.69% ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 69.66%। ଏଇଟା ଯେ ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କାଲି ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ତା ଫିଗର୍ଟା, ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଫିଗର୍ ଥିଲା 71.29% ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଉ 74.09% ତିର୍ତ୍ତୋଲର 74.09% ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁକମ୍ପା। ଗୋଚର ଜମିକୁ ଅଗୋଚର କିସମ କରି ଇଡ୍କୋକୁ ଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବୈଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଚର ଜମିକୁ ଇଡ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଚର ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବୈଡ଼ା ମୌଜାରେ ଥିବା ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ତହସିଲଦାର ମାସ୍ୟ କିଛି ଜାଗା 8 ଏକର ନା କ'ଣ ଇଡ଼କ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ମାରିଥିଲେ, ସେ ନୋଟିସ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏତିକି ଜାଗା ଏଠୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି। ଏଣୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଜାଗାଟି ଆମର ହେଉଛି ଗାଁର ମଝି ଜାଗାଟି, ଆମର ମୌଜା ମଧ୍ୟର କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାଟି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଗଛର ପ୍ରାୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର 4-5 ପଡ଼ାର ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଛର ଜାଗା ଆମ ମୌଜାରେ ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଆମେ
हस्तांतर करने मना करने तहसीलदार महाशय पाक आई जगह देने इटको कंपानी से गोटे कंपानी बोले आम जापर आईटा जी सी पार्ट पार्ट कर किसी कंपानी से कौन कलकारखाना तैयारी हुए से कलकारखाना दूषित धूआ विभिन्न आवर्जना वस्तु को लेकिन आम अंचलवासी हईराण हो से जगह को मना करने से जगह आम जमी अच्छे सेमती रो आउटा गो संपत्ति से गो संपत्ति भाव रो जदि ताकूटा असुविधा कौन हूँ ना आम गाँव बासिंदा जो अच्छा आम बहुत आडजस्ट घर दुआर करूँ ना गाँ लोक हस्तांतर भारतीय वायुसेना को अधिक शक्तिशाली करने आज आउ तीनोटी राफेल युद्ध विमान भारत में पहुंचुछे ए विमान आगमन सहित वायुसेनार शक्ति आहुरी वृद्धि पाइबा सह युद्ध क्षेत्र में शत्रुमानक मुकाबला करिब ए युद्ध विमान पूर्वथर परी एथर मध्य तीनोटी जाक राफेल जेट हरियाणा स्थित आंबला एयरबेस भारतीय माटी को स्पर्श करिब आज संध्या सुधा राफेल भारत में पहुंची सारिथो बोली सूचना रही है फ्रांस उड़ाण भरिबा परे ए तीनोटी राफेल युद्ध विमान रास्तार कौन सी स्थान में न टकी सीधा भारत में पहुंचे पूर्व फ्रांस आसीतिबा राफेल युद्ध विमान बाटरे संयुक्त आरब एमिरेट्स अटकी थिला समय सरी बुलेटिन को यही रखा नमस्कार।